All right. Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Reza. आपको लग रहा होगा, ऐसा फील आ रहा होगा कि मैं कहीं अमेरिका से आ रहा हूँ या कनाडा से आ रहा हूँ, अंग्रेजी टच आ रहा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कराची में ही बैठा हूँ. अपने स्टूडियो से ही मैं आपसे मुखातिब हूँ, नई सुबह वेब रेडियो का जो स्टूडियो है वहां से. बताइए लिसनर्स, कैसे मिजाज है? एक बार फिर हम आ गए वापस. हर हफ्ते जुमेरात की शाम हम आपके साथ मौजूद होते हैं 8 से 9. आज भी अगला एक घंटा हम आपके साथ होंगे. आपने भी बताना है क्या आप भी हमारे साथ हैं, तो आपने बताना है. किस तरह बताना है हम आपको नंबर बता देते हैं, 0330860072. बाकी भी आपको रापता करने का जरिया जो है आपको हमारे को आरजे बताएंगे. मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा. फौरन हम बढ़ते हैं अपने को आरजे की तरफ, जिनका नाम है AI, यानी के एहसन इकबाल. वेलकम टू द शो एहसन इकबाल. अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है जनाब आली? थैंक यू सो मच साकिब रजा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. उम्मीद है तमाम लोग होंगे अपने हिफ्ज़ अमान में, खैर खैरियत में और ठीक ठाक अपने हशाश बशाश माहौल के साथ फिट फाट तरीके से अपने वीकेंड को जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, उसको इंजॉयबल बनाने के लिए. और इसके साथ साथ अपने काम पर भी ध्यान दिए हुए होंगे, बिकॉज अगर आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होता तो आपको नेक्स्ट मंडे की टेंशन हो रही होती. आपका माइंड जो है वो एग्जैक्ट जंप कर जाता है आपके सैटरडे संडे को क्रॉस करके, मंडे को क्या होगा, यही टेंशन आपको लगी रहती है. तो इस टेंशन को पालने के बजाय अपना काम खुश असलूबी से सर अंजाम दीजिए. और अगर आपको इस बीच कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, तो हम किस लिए हैं? बैटल ऑफ द बेस्ट इन तमाम बीमारियों का इलाज है. आप ना आते ये इलाज तो ये आप 8 से 9 सुने, ये रेमेडी इख्तियार कीजिए, ये दवाई लीजिए, ये खुराक खाइए और उसके बाद चार्ज हो जाइए. तो ये दवा खाना साकिब रजा इकबाल की पेशकश आपके साथ जो है वो हाजिर खिदमत है. facebook.com/naisubahinstitute एक ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया था जो साकिब ने नहीं बताया, मैंने कहा मैं भी बता ही देता हूँ. इसके अलावा 8 बज गए, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत रात हुई चली है, क्योंकि पता नहीं क्यों एकदम से जो है वो ऐसा लगता है कि दिन बड़े हो गए, फिर एकदम से जो है वो रातें लंबी सी होने लगती है, दिन बहुत जल्दी छप जाता है, सूरज जो है वो बहुत जल्दी शर्मीला सा छुपने लगता है, गुरूब होने लगता है, हमसे दूर चला जाता है. अच्छा जनाब, जाने तो दीजिए, निकलती है, इसकी भी कोई दवा होनी चाहिए यार. इसकी दवा है साकिब रजा, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, कुछ कमाई है, कुछ कुछ जब अपने पाँव पर खड़े हो जाइए तो आपको इसकी दवा मिल जाएगी. मतलब दवा खाना बन गया है आज नई सुबह वेब रेडियो आते के साथ ही. ऐसा ने दवाइयों की लाइन लगा दी है, दवाइयों का अंबार लगा दिया है. हाँ, तो और सब पैकेट में एक ही दवाई है, बैटल ऑफ द बेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट. लास्ट शो में क्या किया था हमने? हाँ जी, ईस्ट एंड वेस्ट, बैटल ऑफ द बेस्ट. बिल्कुल, दिन बहुत कभी छोटे लगते हैं, कभी बड़े लगते हैं, कभी सूरज तेज लगता है, कभी क्या होता है, कभी क्या, कभी क्लाइमेट चेंज के असरात नजर आ रहे होते हैं. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हैपनिंग्स, मौसम में तब्दीली चलती रहती है. तो इस पर आज बात कर रहे हैं. एहसन इकबाल, कैसा देख रहे हैं मौसम आजकल का, क्लाइमेट चेंज पर क्या कहेंगे? यार, क्लाइमेट चेंज पर कहने को बहुत कुछ है और लिसनर्स मेरे ख्याल से बहुत कुछ सुनते भी हैं. अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो ये रातें और दिन का जो सिलसिला है, एक साल में एक दिन ऐसा आता है जो सबसे बड़ा होता है, मतलब दिनों के लिहाज से. और जो है वो अच्छा, मैंने हिसाब रखा हुआ है कि 7:30 बजे मगरिब होनी है और जो मिनिमम जो दिन होगा उसमें जो है वो 6 बजे के आसपास जो है वो आपकी मगरिब होनी है. तो मतलब 1.5 घंटे का डिफरेंस मुझे लगता है कि कम से कम कहीं ना कहीं आता है, या कहीं थोड़ा ज्यादा आ जाता है, 1.5 से 2 घंटे का एक डिफरेंस होता है, इसके दरमियान ही होता है. लेकिन ये बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि हम 5 बजे के बाद जब ऑफ करके वाइंड अप करके अपने घर की तरफ निकल रहे होते हैं, तो हमारी एक टारगेट होता है कि हमने मगरिब से पहले घर पहुंचना है. और ये टारगेट यूजुअली सर्दियों में बहुत ज्यादा मिस हो रहा होता है, क्योंकि सूरज जल्दी छिप जाता है और मगरिब जल्दी हो जाती है, तो ऐसा लगता है बहुत रात हो गई है. अच्छा, लेकिन पहले ऐसे हुआ करता था कि सर्दियों में जो है वो हम बहुत जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन अब मोबाइल नामी चीज ने दिन रात का फर्क मिटा दिया है और हम जो है वो सर्दियों में भी 3 बजे 2 बजे सो रहे होते हैं और गर्मियों में इतने बजे ही सो रहे होते हैं. बस फर्क इतना होता है कि सुबह को जब हम उठ रहे होते हैं तो लिहाफ हमें उठने नहीं देता, और गर्मियों में जो है वो हमें पंखा जो हल्का चल रहा होता है, लोड शेडिंग होती है, हमें सोने नहीं देती. तो ये एक मसला है. बिल्कुल जनाब, इस सब पर बात कर रहे हैं और मौसम की तब्दीली में हम काफी सुनते हुए आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया. लोग कहते हैं कि अब जो बारिश होती है, कोई किसी मुल्क के पास अगर इतनी ताकत है कि वो बारिश करवा सकता है आर्टिफिशियल, तो वो बारिशें भी करवा रहे हैं भाई. आप मतलब
समटाइम ऐसा होता है कुदरती बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश हो रही है, तो इस तरह की चीजों पे आपका क्या बिलीव है, क्या वाकई ऐसा भी हो रहा है आजकल? हाँ, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल पढ़ा था। एक्चुअली वो मस्नूई बारिश नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि मस्नूई बारिश होती है, उसके लिए एक मेथड अडॉप्ट किया जाता है, यानी बादल ऑलरेडी होते हैं, प्रेडिक्शन ऑलरेडी होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि बादल आते हैं और आपकी छत से गुजर जाते हैं, खामोश गुजर जाते हैं, बगैर बरसे गुजर जाते हैं, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, ये वाला सीन हो जाता है। तो इस सीन को रोकने के लिए साकिब रजा की आहें मैं आज बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। तो मौसम ना, मौसम बाकी बहुत सारे जज्बात को उधेड़ देता है। हाँ, उभारता है, उधेड़ता नहीं है। खैर साकिब, अभी तो दिसंबर आना है यार, क्या होगा आपका दिसंबर तक? अल्लाह पता नहीं क्या होगा यार, बस दवाएं चाहिए मुझे, तभी मैंने आते के साथ आपसे पूछ लिया था कि कोई इस मर्ज की भी दवा चाहिए मुझे। अच्छा जी, कोई तावीज हो रद्दे बला का, हाय हाय, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। क्या बात है, आज जुमे रात की शाम रंग कुछ और लग रहा है मुझे, मुशायरा हो गया बेटल ऑफ द बेस्ट में आते के साथ ही। क्या बात है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि एक जो बादल होते हैं वो ऑलरेडी आए हुए होते हैं और उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक वेट डाला जाता है, या कुछ इस तरह का प्रोसेस किया जाता है एयरक्राफ्ट के जरिए, या सैटेलाइट जो आपके रॉकेट्स होते हैं इनके जरिए कुछ मटेरियल उन बादलों के ऊपर जो है वो उनको प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बारिश बरसा देते हैं, यानी जो उनके अंदर पूरा जो मटेरियल होता है मतलब पानी होता है वो वहीं पर ड्रॉप्स की सूरत में जो है वो बरसना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर एक वेट आ जाता है। तो ये एक मतलब तजर्बा रशिया में किया गया, तो उन्होंने समिट की बोरी गिराई बादलों के ऊपर, तो वो बादलों को फाड़ती हुई नीचे आ गई, बारिश नहीं हुई, और नीचे जिसकी छत पे आई उसकी छत पे जो है वो कोई 10 मीटर का करीब कोई जो है ना वो सुराख बन गया था, जो गढ़ा होता है वो बन गया था, और ये बाकायदा रिपोर्ट हुई थी बात। तो ये मैंने आर्टिकल प्रॉपर पढ़ा था, तो मुझे पहले भी यही समझते थे कि यार अल्लाह ताला के कामों में मुदाखलत, और हमारे ध्यान में मतलब ये जो हमें बातें समझाई जाती है, लेकिन जब आप डीप स्टडी करें तो एक्चुअली इंसान ने कुछ क्रिएट नहीं किया। ठीक है, मॉडिफिकेशन, डिस्कवरी, वो भी अल्लाह ताला ने इंसान को एक इतनी इंटेलेक्चुअल पावर दी है कि वो चीजों को किस तरीके से यूज करना चाहे, उसके डिफरेंट सोर्सेस और डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो इख्तियार किए जाए, तो ये पावर भी अल्लाह ताला की दी हुई है। आई थिंक इंसान को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने लिए स्पेस को क्रिएट करता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जनाब, इस तसलसल को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, आपने वापस आना है फौरन चाय पीने के बाद, बल्कि चाय जब पी रहे हो तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिएगा जो हम प्ले करने जा रहे हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है, जुमे रात की शाम मुशायरे के बाद ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, कितना मजे का गाना था ना, यू नो बहुत मजा आया। अच्छा जनाब, आपको भी बड़ा मजा आया होगा, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर लेता हूँ, मतलब क्या, मुझे भी एक्टिंग करने का थोड़ा थोड़ा शौक हो जा रहा है। तो एक्टिंग हो या वैक्टिंग हो, जो मर्जी हो, अभी हमने खेलना है टंग ट्विस्टर, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है, मुझे कंट्रोल करनी पड़ रही है। साकिब रजा से पिछली बार हमने ईस्ट एंड वेस्ट और बैटल ऑफ द बेस्ट किया था, ये समझ रहे थे कि सारे ऐसे ही होंगे, तो उन्होंने बोला यार टंग ट्विस्टर नहीं, बहुत आसान चीज है, कोई नया लाओ। मैंने बोला रुको जरा, अभी नया लाते हैं। तो अभी जो टंग ट्विस्टर आया ना, ये सुनकर साकिब रजा हिल जाएंगे। साकिब रजा आपने बताया क्या बोलना है? क्या बोलना है? एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। ये इतना लंबा, पहले तो मुझे पढ़ाए, समझाए, लिखाए, फिर साकिब आपने कभी अचार खाया? जी खाया। देखा है? देखा है। चखा है? हाँ। बनाया है? हाँ। मतलब क्या चाहते क्या है आप? बस मैं आपकी दुकान खुलवाना चाहता हूँ। चाह रहे अचार? नहीं नहीं नहीं, अचार मत डालिए, पहले आप बातों को अचार डालते हैं, दिमाग की चटनी बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना बातों की दही बनाते हैं। ये जो इतना खुलूस लाए हो, ओहो, ये जो इतना खुलूस लाए हो, अब इसका अचार डालूं क्या? क्या बात है, अब इसका अचार डालूं क्या? अभी फिलहाल आप सिर्फ हमें जो है ना ये टंग ट्विस्टर बोल के दिखाएं। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, एक चटपटा अचार, चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। यस, एक चटपटा, एक चटपटा अचार, एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार। ये हमसे ना होगा यार, कसम से यार, क्या लाए यार, मतलब कुछ नहीं। जनाब मैं करके देखूं? करे, 10 बार बोलना मुसलसल। एक अचार चटपटा, चटपटा अचार, सब चाटो चटपटा अचार।
एक अचार चटपटा चटपटा अचार सब चाटो चटपटा अचार एक अचार चटपटा चटपटा अचार सब चाटो चटपटा अचार एक अचार चटपटा चटपटा अचार सब चाटो चटपटा अचार एक अचार चटपटा चटपटा अचार सब चाटो चटपटा अचार एक अचार चटपटा सब चाटो चटपटा That's it. एक चटपटा प्रोग्राम जारी रहा भाई कमाल है। और चलो जी, अच्छा हमने फैसला किया था कि आज के टॉपिक की जो सिलेक्शन होगी वो वही करेगा जो टंग ट्विस्टर को ठीक से बोलेगा। तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा मेरे साथ, हमेशा ये जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे हमेशा? बरल आज का वाकई मुश्किल था, एसन ने इस तरह इसको देखा। पुरानी चीजें मुश्किल होती है, अचार पुराने दौर में बनता था। आपके आपके दौर में बनते अचार? नहीं, क्योंकि हम बातों का अचार बनाने आते हैं आप लोगों को। अच्छा खैर, नहीं वैसे आपने जब ये किया ना टंग ट्विस्टर, मुझे ऐसे लग रहा था आप कोई रैप सॉन्ग गा रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसे लगा था, और मैंने भी यही सोच के किया था चलो कहीं ना कहीं से कोई कॉल आ जाएगी किसी स्टूडियो से, वाह यार कितने जबरदस्त आप मुझे वो रैप स्टार बन सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है। तो जनाब आज का टॉपिक क्या है? आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं साकिब भाई, खाने पीने की, योर फेवरेट फील्ड आई थिंक। ऑफ कोर्स जनाब, नो डाउट, विदाउट एनी Out, और साकिब भाई आपको खाने का शौक, मुझे बनाने का शौक। ये भी जोड़ी है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो मैं समझता हूँ आपका कंफर्ट जोन खाने में है, तो आपको हम कुक्ड फूड यानी रेस्टोरेंट फूड की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है जनाब, और मैं जो है वो होम फूड की तरफ आता हूँ क्योंकि यहाँ बनाने की बात है ना। राइट जनाब, बिल्कुल आज मैं डिफेंड करूंगा ऑनलाइन फूड या फिर रेस्टोरेंट फूड या फिर स्ट्रीट फूड या फिर जितना भी हम घर बैठे खाना मंगवा रहे होते हैं ऑनलाइन, जिस तरह मैंने कहा। तो क्या ख्याल है हसन इकबाल, आगाज करें? हाँ जी, रेडीमेड फूड आप बताएं कि रेडीमेड फूड के क्या फायदे हैं। मेरे ख्याल से तो रेडीमेड फूड जो है ना एक अजाब ही है, हम पे मुसल्लत हो गया है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, रेडीमेड फूड या फिर रेस्टोरेंट से जब हम फूड लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको घर पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप पैसे कमा रहे हो, आपने जो वहाँ पर मेहनत की है, बस थोड़ी सी मेहनत की होगी, मतलब खैर थोड़ी सी या साकिब भैया, इस कॉन्ट्रैक्ट का कुल रिजल्ट ये होगा कि लोग बोलेंगे साकिब भैया काम चोर रहे हैं हर चीज में, पर घर बैठे मुझे ये घर आज तो मतलब फसाया गया था कि मैं इस पॉइंट पे आऊँ और मतलब लिस्ट पे आते ही जो है ना क्लास शुरू कर दूं। बस आपने जो है ना, आपने मान लेना चाहिए आपको कि साकिब भैया काम चोर साबित हुए, ना इनको पढ़ने के लिए बाहर जाना है ना इनको जो है ना वो, मतलब क्या ही है यार। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि रेडीमेड फूड का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये कि आपका टाइम भी बच रहा है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। आपने जाना है जहां, आप अगर बिरयानी बनाने के लिए इतनी आप चीजें लाएंगे, कॉस्टिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हजारों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप सिंपल ये करें, 200 निकालें, बाहर जाएं, चिकन बिरयानी लें और एंजॉय करें। वाह भाई वाह, 200 की बिरयानी खाई यानी मुझे फिर शामिल नहीं किया। चलें, मैं समझा रेडीमेड फूड होगा तो मेरी बारी भी आ जाएगी। चलें जनाब, अब हम आपको बताते हैं कि होम फूड के कितने फायदे हैं। जब बिरयानी के लिए अम्मा रात को अनाउंसमेंट करती है ना कि सुबह बिरयानी बनेगी, यकीन कीजिए नींद नहीं आती। और उसके बाद फिर जब बिरयानी शुरू होती है, जब प्याज ब्राउन होता है उसकी खुशबू अलग होती है, जब उसमें बिरयानी मसाला ऐड होता है, जब टमाटर डलते हैं, वही वाले, कौन से वाले? वाह टमाटर बड़े मजेदार, वही क्या बात है। इसके अंदर फिर जब दही ऐड होती है उसकी खुशबू चेंज होती है, उसके बाद फिर उसमें चावल उबाले जाते हैं, चिकन फ्राई होता है, उसके बाद मिक्स होता है, और उसके बाद भी दस्तरखान लगता है। डायरेक्टर साहब मुझे ललचाई नजरों से देख रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बिरयानी कहाँ हो तुम? तो जब वो दस्तरखान तक पहुंचती है तो उसमें जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो बढ़ता चले जाता है। और उसके बाद जब वो सामने आती है अम्मा के हाथ की बनी हुई बिरयानी, एक मरतबा मैं अम्मा से पूछ रहा था कि आप जो रेसिपी बताती हैं मैं वो ट्राई करता हूँ तो वो नहीं होती, तो अम्मा कहती इसमें हस्बे जायका मोहब्बत का मसाला ऐड कर लिया गया। तो वो जो है ना, मतलब ये आपको रेस्टोरेंट फूड में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे आप उनके लिए अजनबी, वो आपके लिए अजनबी, उनको पैसों से मतलब, आपको खाने से मतलब, पैसे लिए खाना दिया, खाना खाया पैसे दिए गायब, तू कौन मैं कौन। हाय मुझे नतीजा भुगतना पड़ रहा है टंग ट्विस्टर हारने का, मैं क्योंकि आज इसी को ही रिप्रेजेंट करने लगा था लेकिन फंसाया गया है मुझे। बहरहाल इसका मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट क्या हो सकता है। आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, वैलिड पॉइंट था और मजा आया जिस तरह आपने मंजर कशी की। अगर आपके पास पैसे हैं ना साहब, अगर आपके पास पैसे हैं ना तो मैं अभी रिसेंटली कहीं सफर कर रहा था, मैं इस्लामाबाद गया था, यहाँ से कराची से बाय एयर गया था। ओहो, तो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं बताना ये चाह रहा था कि वहां पे जिस तरह मुझे बिरयानी मिली था
एयर होस्टेस ने आके मुझे बिरयानी दी, तो किस तरह किस तरह एक्सक्यूज मी प्लीज ये लीजिएगा तो बस भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। तो उसका जो मजा था ना उस्ताद, वो शायद माँ की बिरयानी में मजा तो है। अल्लाह करे आंटी शो सुन रही हो, मैं दुआ कर रहा हूँ बल्कि मुझे कोई आंटी का नंबर दे दीजिए, मैं ये शो किसी ना किसी तरह उनको रिकॉर्ड करके पहुंचाऊंगा। मेरे कुछ लिसनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे कुछ लिसनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो शो रिकॉर्ड करते हैं हमारा और बार बार सुनते हैं। वो कहते हैं हफ्ता तो बहुत देर बाद गुजरेगा, हम आपका शो बीच में कहीं एक दफा जरूर लगा लेते हैं। नहीं जी बिल्कुल, ये पॉइंट भी है कि मतलब आपको पैसा है ना, तो आपको जिस तरह की खिदमत चाहिए ना, आपको जिस तरह आप चाह रहे हैं बिरयानी मिल जाए, वैसे ही आपको बिरयानी कस्टमाइजेशन हो सकती है, वैरायटी उसमें ऐड हो जाती है। बिल्कुल आपका पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि हमने जैसे रेस्टोरेंट गए तो हमारे पास मेन्यू कार्ड आता है, अम्मा से स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से काम से आके पूछते हैं अम्मा क्या बनाया, अम्मा कहती है लौकी बनाई है, बस उसके अलावा कोई मेन्यू कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खानी है तो खा ना बाहर जाके खा लियो। आपके पास डिफरेंट वैरायटी मौजूद है, आप जो चाहते हैं, खट्टा चाहते हैं, मीठा चाहते हैं, ज्यादा मसालों वाले चाहते हैं या फिर कम मसालों वाला चाहते हैं, वो आपको हर चीज एक मेन्यू में मिल जाती है, जैसा आप चाहो जो आप चाहो पैसे दो और ले जाओ। क्या बात है साकिब रजा, आपकी यही चीजें तो दिल मोह लेती हैं। मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कोई गाना शाना सुनते हैं, किचन रिलेटेड गाना सुना, वो सुनाओ ना यार, कुकड़ू वाला गाना बड़ा मजे का। मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं, बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक, एक और गाना उसके बाद हमने तो आना ही था ना, हम आ चुके हैं आपके पास आपकी खिदमत में जनाब। नई सुबह वेब रेडियो पर बैटल ऑफ द बेस्ट फूडी बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है, गुफ्तगू चल रही है, खाना त्वाम और उसका इंतजाम सब आपके साथ। वाह व्हाट अ स्टाइल, बचपन वाले मदरसे का स्टाइल, क्या खूबसूरत बात भाई माशाल्लाह। अच्छा त्वाम और गुफ्तगू साथ साथ चल रही है लेकिन खाना वाना कुछ नहीं चल रहा इधर। अच्छा जी बहुत ही खूबसूरत यार, नल्ली निहारी और क्या बिरयानी, क्या क्या नाम लिए इसने, मतलब दिल खुश हो गया यार। अच्छा अगर हम बात करें खाने से हटके, तो अगर हम ड्रिंक्स की बात करें तो मैं प्रोफेशनल ड्रिंक्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू होम ड्रिंक्स, यानी जो हमारे घर पे उस तरह के शरबत या उस तरह के मिंट लेमिनेट नहीं बनेगा, मिंट मार्गरीटा नहीं बनेगा, इस तरह की जितने आप येलो शेलो कर लें, जितने भी आप फ्लेवर्स ले लें या और ड्रिंक्स ले लें जो कि प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ हो या न्यूट्रिएंट हो, वो भी जो है वो ज्यादा हमें प्रोफेशनली ज्यादा मजे की लगती है, क्योंकि आई थिंक उनको जितना हिसाब किताब पता होता है, जो अम्मा होती है वो मुट्ठी भर के ये डाल दिया, चुटकी भर के वो डाल दिया और ये करके जो है वो एक ब्लेंड करके जूस बना दिया, दैट्स इट। तो प्रोफेशनल ड्रिंक्स को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू होम ड्रिंक्स। अब तुम अपना बताओ साकिब यार, कुछ तो बोलो साकिब, हौसला रखो। ऑलराइट जनाब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ चीजों की कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हमारे पास मेन्यू मौजूद होता है, जिस तरह का हम खाना चाहते हैं वैसे ही खाना मिल जाता है। और वैसे समटाइम अम्मी के हाथ की बिरयानी वो जो बनती है साल बाद या एक महीने बाद या फिर एक हफ्ते बाद, क्योंकि आजकल तो यही होता है मेरा ख्याल है, कहाँ टाइम मिलता है इंसान को, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो घर में तकरीबन हफ्ते हफ्ते बाद बिरयानी मिल रही होती है, हम बाहर रोजाना ही बिरयानियां खा रहे होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो अम्मी के हाथ का खाना है ना वो हमेशा एक ही रहता है, मतलब जैसे हमने इस हफ्ते बिरयानी खाई, अगले हफ्ते भी हो सकता है वही आपको फ्लेवर मिले, वही चीज नहीं होगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो आपको अगर अलग अलग टेस्ट के डिफरेंट खाने एंजॉय करने तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के खाने खाने पड़ेंगे, आपको कभी अब ज़ाहिर ब्रांडिंग हो जाएगी तो मैं इस तरह नाम तो नहीं लूंगा, कभी साकिब बिरयानी पे चले गए, कभी एहसन निहारी पे चले गए, तो इस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे चले जाते हैं। मिसेस मेरी निहारी पे मत आइएगा, मैंने कुछ निहारी व्यारी नहीं खोली हुई है। तो मतलब आपको मुख्तलिफ टेस्ट मिल जाते हैं, ऐसा ही है। आई थिंक ये बहुत मशहूर बात आपने बताई कि हर किसी की गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई, इवन कराची की बिरयानी मशहूर है, लाहौर के पाए मशहूर है, पिशावर की साइड पे अगर हम जाएं तो वो जो दुम्बा और इस तरह के जो इनके आइटम्स होते हैं जो कि बहुत हैवी मीट जिसको कहते हैं हम, तो उसके आइटम्स बहुत मशहूर हैं उधर वाली साइड पे। इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो सेवर बहुत मशहूर है, फैसलाबाद वाली साइड पे या कसूर वाली साइड पे, गुजरा वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे जो है वो साग और पंजाबी डिशेज जो मजीद होती हैं बहुत मशहूर है। तो ये हकीकत बात है, जाहिर सी बात है जितना आप चीज़ों को एक्सपेंड करते जाओगे आपके पास वैरायटी बढ़ती जाएगी। इसी के लिए आप अब्बा से रिक्वेस्ट करते हैं, अब्बा एक अम्मा है तो बिरयानी एक ही किस्म की मिलती है।
अल्लाह अकबर कहाँ निकल रहे हैं, क्या बात है जी भाई, वैरायटी तभी आएगी आप चीजों को एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। ओ माय गॉड, तो ये खैर अजराए मजाक था, किसी के वालदेन अगर सुन रहे तो अब्बा प्लीज प्लीज हम मजाक कर रहे थे, हमें मत जो है ना वो जूते पड़वा दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ये खानदानों में भी होता है, मतलब जैसे अपने खानदान में कजन आपस में बैठते हैं तो बात होती है यार मुमानी के हाथ का जो कोरमा है ना उसकी बात ही अलग है, यार फलां कजन के हाथ की चाय, ओ माय गॉड आए हाय। तो इसके अलावा बिरयानी, जैसे अम्मा की बिरयानी कह दी हमने, इस तरह मतलब कुछ खानदान में ऐसी पर्सनैलिटीज, ऐसी आंटीज, ऐसी सिस्टर्स मशहूर होती हैं जिनके हाथ में किसी न किसी डिश को लेकर कोई मास्टरी सजायका होता है, तो ये भी एक बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात था कि बहुत मशहूर है कि जो मर्द होते हैं वो खाना ज्यादा अच्छा बनाते हैं, ये पता नहीं, ये भी ये वैसे बड़ी वाकई ये बड़ी बात है, मैंने भी ये चीज बहुत ऑब्जर्व की है और लोगों से भी हमने हमेशा सुना है। ख़वातीन को भी कहीं ना कहीं ना इनसिक्योरिटी होती है कि सारा दिन 24 घंटे हम खाने बनाएं और मर्द साल में एक दफा किचन में आ जाए तो बस उनकी वाह जाती है, वो कॉम्पिटिशन विन कर जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये ऐसा कैसे होता है यार, मर्द हमेशा वैसे ही होते हैं ना, जैसे ख़वातीन हर वक्त पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है, लेकिन लड़का रात को पढ़ता है सुबह जाते हैं और वो नंबर अच्छे ले आता है। ओह माय गॉड, वाकई ये बहुत मजे का सीन होता है, और फिर जा जाके उसकी आंखों के सामने जो है ना वो अपनी रिपोर्ट कार्ड लहरा रहे होते थे, यार क्या जबरदस्त सीन, लड़कियां भी हैरान होती है, ये तो पढ़ता ही नहीं था ये कैसे आ गया, फिर उल्टी बातें कैसे, ये टीचर का फेवरेट है और ये है वो है, ये बातें होती है फिर। वेल, लड़कियों की इनसिक्योरिटीज के ऊपर भी कभी हम बात करेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स हमारी लिसनर्स हैं, तो आई थिंक हमें इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, लिसनरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा साकिब रजा। वैसे आपने पत्ता साफ कर दिया है मेरा। आपकी तो सीट गई भाई, ये तो फिक्स हो गई है अब। बिल्कुल जनाब, वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया हमारे पास, हमने ब्रेक पर भी जाना है, ब्रेक के बाद आपके कमेंट्स भी शामिल करने हैं, जिस तरह आपकी ही बात चल रही है, आप लिसनर्स की और लड़कियों की और लड़कों की, तो आप लोगों के फीडबैक हम तक पहुंचते रहते हैं वो शामिल करने हैं, तो क्या ख्याल है हसन, कोई गाना फिर एंजॉय जी जनाब, कोई गाना सुनते हैं, अच्छा सा चटपटा चटखारेदार गाना हम सुन चुके हैं, अब कोई जरा हल्का फुल्का सा, जरा होले होले सा रोमांटिक सा गाना सुनते हैं। ख्याल है होले होले ही एक गाना है आयमा बेग ने गाया है, वही गाना सुन लेते हैं। चले जनाब, आयमा बेग पाकिस्तान की उभरती हुई बल्कि अब तो रिकग्नाइज्ड स्टार इनको हम कह सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त करियर अपना जो है वो फ्लरिश करते हुए, आयमा बेग का गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं, जाना कहीं नहीं है, ऑनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो शो है बैटल ऑफ द बेस्ट। वेलकम बैक लिसनर्स, हम आ गए वापस, आप सुन रहे हैं बैटल ऑफ द बेस्ट, और आखिरी सेगमेंट में हम दाखिल हो गए हैं जब हम आपके कमेंट्स शामिल करते हैं, आपका फीडबैक जो हम तक पहुंचा होता है उसको हम देख रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं कौन कहां से हमें सुन रहा है, तो देखते हैं आज कहां कहां से मैसेजेस हमें वसूल हुए हैं और कौन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमें कमेंट किया है जीशान ने, जीशान हमें सुनना है क्वेटा से भाई जीशान ने क्या कहा है। जीशान कहते हैं कि आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट का बहुत मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आपका शो मैं मिस ना करूं। क्या बात है, क्या मोहब्बतें हैं, क्या स्टाइल है। बहुत शुक्रिया जीशान साहब, आप हर बार टाइम निकालते हैं, इतने प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, वाकई वैसे तो हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सही की जा सकती हैं, तो उनको सही भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शो सुनने का। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमें कामरान सुन रहे हैं, ये कामरान हमें कहाँ से सुन रहे हैं देख लेते हैं, अभी देखते हैं मैसेज ऊपर आ जाए, तो मैसेज ऊपर आ गया है सादिकाबाद से, कामरान सादिकाबाद से हमें सुनने और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि गाने जो आप लोग प्ले करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मजीद कुछ एंटरटेनिंग गाने होने चाहिए जिस तरह का आपका शो है, तो जनाब आपका आज ब्लू है पानी 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 क्या मजीद क्या चाहते हैं यार? मैं तो वैसे ही तंग आ गया हूँ, मैं कोई अपनी पसंद का कोई गाना चला देता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं रोतू, लोग मुझे कहते हैं यार क्या हर वक्त तुम इस तरह के सैड सैड गाने सुन रहे होते हो, मैं कहाँ जाऊँ। बस कर दे हमारे साथ, हमने पिछले शो में कमिटमेंट की थी कि जो है वो हम लाइव कॉल्स भी अपने शो में शामिल करेंगे, तो वी हैव सरप्राइज फॉर लिसनर्स, हमारे साथ कॉलर मौजूद है और आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन मौजूद है, कहाँ से और कहना क्या चाहते स्लैश चाहती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से अलिया फातिमा बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप दोनों? जनाब ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। अलिया फातिमा कैसी हैं, आपके मिजाज ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आपके शो के बारे में बोलना चाहूँगी कि दोनों की जोड़ी वाकई बहुत कमाल की है, बेस्ट जोड़ी है,
एंटरटेनमेंट से भरपूर आप लोगों का प्रोग्राम है और माशाल्लाह से कीप अप द गुड वर्क। और आप लोगों का शो मुझे इतना एंटरटेनिंग लगता है कि स्पेशली जब आप लोगों का शो ऑन एयर आता है तो मुझे थोड़ा थोड़ी सी डबल मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसको मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ता है बस आगे मैं बाद में भी इन चीजों से महसूस हो सकूं। अरे वाह वाह, आपकी मोहब्बतों का, इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का कौन सा बेस्ट पार्ट आपको लगता है? हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनाएं शो को ताकि लिसनर्स को कुछ प्रोडक्टिव भी मिले। साथ साथ आपने एंटरटेनमेंट की बात की, हमारी जोड़ी की बात की, एनर्जी की बात की, तो आपको कौन सी चीज ऐसी लगती है कि जो हमारे शो का ट्रेडमार्क इसको हम कह सकते हैं? आप लोगों में सबसे बेस्ट पार्ट है कि वैसे तो आप लोगों के शो का नाम बैटल ऑफ द बेस्ट है, लेकिन बैटल से अगर हम थोड़ा सा उठाएं तो कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ माइंड में कुकिंग आती है कि शायद ये कुछ जंग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन ये है कि आप लोगों का बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोगों में से कोई भी जो है ना वो ऑफेंसिव या डिफेंसिव नहीं होता और आप लोग अपने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आगे रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं पे कोई फंस भी जाए तो इस चीज को बहुत लाइटर नोट पर लिया जाता है, ना कि जो है ना वो बहुत ज्यादा कि नहीं भाई मैं तो इस बात को ऐसे नहीं ऐसे रखूंगा ऐसे नहीं ऐसे रखूंगा। कहते हैं ना इन्फॉर्मेटिव प्लस भरपूर एंजॉयमेंट से भरा हुआ शो है आप लोगों का। और जहाँ तक आपके को आर्टिस्ट का इंटरेस्ट आजकल बहुत ज्यादा बहुत पीक पे शादियों को लेके, तो मैं भी यहाँ पे टॉपिक छोड़ना चाहूंगी कि नेक्स्ट आप इस पे भी जरा रोशनी डालें, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। यार क्या बात है, शायद हमारी बात हुई थी, मेरी को आरजे से बात हुई थी कि इस पर बात करेंगे, तो देखेंगे कभी मौका मिला टाइम मिला लेकिन तो। लेकिन इनका जो कंटेंट प्रिपरेशन थी ना वो ऐसी खतरनाक थी कि हम उसको ऑन एयर नहीं कर सकते थे, सो मैंने कहा कि नहीं। नहीं वैसे लास्ट प्रोग्राम में जो एहसान इकबाल ने साकिब दादा की जो ऐसी की तैसी फेरी थी लोटा और लोटा पे लोटा लोटा तो बेस्ट पार्ट। मैं आपको यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि आज मैं क्योंकि फिर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था शो, तो मैं जब अपने एक वेटिंग हाउस में बैठी हुई थी तो मतलब मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ कि मैं पहले बहुत डीप डाउन इस चीज को सुन रही थी और इसी पार्ट पे आके जाना मेरी हंसी इसी के से निकलती थी कि आज भी मैं कोई ऑफिशियल मीटिंग में थी तो वहां पर भी सेम बात पे लौटा और लौटा पे जो है वो मेरी हंसी से छूट गई, जिससे मैं बहुत ज्यादा सर एम्बेरस तो नहीं हुई क्योंकि आस पास मेरा कोई था नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल वो कहते ना कि एकदम बेसाख्ता कैस कहा मेरा निकला वाकई में जो है ना। लेकिन इनका जो शायरी से लगाव है बहुत जबरदस्त, कीप अप द गुड वर्क साहिब। बस कोशिश यही होती है कि आप लोग खुश हों, आप लोग हंसें, आप लोग मुस्कुराएं, वरना हमारे पास तो ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम काट दें फौरन चीजों को, लेकिन ये कि माशाल्लाह आप लोगों का ये प्यार है जो हमें बहुत टाइम मेरा रेडियो से काफी टाइम से कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि लास्ट जो मैंने शायद कोई हार्ट रेडियो भी सुना था जिसको हम जो है वो MP3 फॉर्मेट में कहते हैं तो वो नहीं सुना होगा, लेकिन अब जो है वो नई सुबह वेब रेडियो ने बहुत अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया है जिसके थ्रू हम लोग वो अपने मोबाइल के डबल स्लिप पे जैसे कैसे हम बोलते हैं तो डबल देखते हैं हम जो है वो इससे महसूस हो सकते हैं कि कहते हैं ना कि आप लोगों का जो शो है वो एक बेस्ट यूजर है। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से दोनों की जो जोड़ी वाकई कमाल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, बहुत अच्छा लगा, आती जाती रहेगा आपका अपना प्रोग्राम बैटल ऑफ द बेस्ट और इसी तरीके से अपने फीडबैक से हमें आगाह करती रहेगा। लिसनर्स आप भी 0330860072 और facebook.com/naisabainstitute के थ्रू अपने फीडबैक को जो है वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जब ऑन ईयर होता है तो हमारा नहीं होता, ये प्रोग्राम आपका और हमारा मिल के हो जाता है, तो आप लोग भी इस प्रोग्राम में सजावट बनावट कुछ भी पैदा कर सकते हैं और जो है वो बहुत शुक्रिया आलिया फातिमा की कॉल इज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल कि हमारे पास फर्स्ट टाइम शायद किसी लाइव कॉल का एडिशन हुआ है। जो हमें मैसेजेस पे फीडबैक मिल रहा था वैसा ही फीडबैक यार मुझे तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर फील होने लगा है साकिब दादा, मतलब लिसनर्स का जो प्रेशर होता है ना कि हमारे शोज रिकॉर्ड होके सुने जा रहे हैं भाई, हमारी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है साहब, हम तो इतना फ्रेंडली बात कर जाते हैं मुख्तलिफ चीजों पे, शादी पे और बाकी चीजों पे, तो अब तो मोहताज रहना पड़ेगा। वेल जनाब साकिब दादा वैसे कोई कमेंट हो जाए लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वो नहीं जो आपने ऑफ ईयर किया था वो वैसा कमेंट नहीं, चले इस पर करेंगे ना कमेंट्स करेंगे मतलब एक कमेंट से कुछ नहीं होता इस पर। अच्छा जनाब मैसेजेस की स्क्रीन पे आ जाते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अरूबा, शमसा, दानियाल और जैन, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं
बड़ा मुश्किल से नाम है, जुनैद शाफिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से स्पेलिंग लिखती हैं आप अपने नाम की। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इतनी सारी दुआएं, ढेर सारी दुआएं। जर्नली में कमेंट शामिल कर रहा हूं, एक एक कमेंट शामिल करना मुमकिन नहीं रहा। और इसके अलावा हम कमेंट शामिल करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है अजीज। अजीज कहते हैं कि आपका प्रोग्राम इतना शानदार है कि इसे छोड़ने का दिल नहीं करता, और जब छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिस हो गया है जिसको दोबारा लाना मुमकिन नहीं है। आपके लिए दोबारा लाना मुमकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नई सुबह वेब रेडियो के साथ साथ नई सुबह का एक और प्रोजेक्ट नई सुबह यूट्यूब लाइब्रेरी है, ऑडियो लाइब्रेरी का हम इसको नाम देते हैं। तो नई सुबह के चैनल के ऊपर हम इस शो को कोशिश कर रहे हैं, हम उनके साथ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये शो जो है वो आपके लिए यूट्यूब पर भी आर्काइव्ड हो जाए, यूट्यूब पर भी हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाए, ताकि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें हमारा शो सुन सकें। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, क्योंकि टाइम हमें कह रहा है कि और भी दुख है जमाने में बैटल ऑफ द बेस्ट के सिवा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और फ्रेश सी जो है वो आउटिंग के साथ, एक और फ्रेश सी गैदरिंग के साथ नेक्स्ट थर्सडे को। नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होने वाली है इसी जबरदस्ती एनर्जी, शानदार कंटेंट और आपके बेहतरीन से फीडबैक के साथ। मुझे यानी एहसन इकबाल को रखिएगा अपनी खुसूसी दुआ में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। राइट जनाब, एहसन इकबाल ने साइन ऑफ कर दिया है आज के शो से, और मेरा भी जाहिर वक्त हुआ चाहता है कि मैं भी आपसे चाहूं इजाजत, क्योंकि एहसन इकबाल जा रहे हैं तो मैं अकेला तो यहां पर बैठूंगा नहीं आपके साथ, और हमारे शो का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है। तो हम आपसे मिलेंगे जिस तरह एहसन ने कहा अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, आप किसी का दिल न दुखाइए, जिंदगी मुख्तसर है, जिंदगी को ये सोचकर आगे बढ़े कि आखिर मौत है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे चाह रहा हूँ इजाजत, आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।